लड़िया के साथ गला घुटा के घोट के मार दिया। अच्छा अच्छा, क्या था, क्यों मार दिया, क्या कहानी? कहानी तो और से भी जब शादी भई तब से चल रही थी। तो यहाँ मैं पंचायत भी करने आई, पंचायत भी भई, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। क्या काय के लिए मार, क्या क्या मांग, कोई डिमांड वमांड करते? हाँ, डिमांड वमांड यही है थी, मोटरसाइकिल नहीं दी, लड़ना नहीं दी, दहेज के ऊपर मारपीट करते थे। कल क्या हुआ, कल कैसे जानकारी मिली, कल क्या हुआ? कल तो हम तो यहाँ मेरी और पास रिश्तेदारियाँ हैं, तो इन लोगों ने कैसे जान ली है, इसलिए हमारे पास फिर फोन गया। दो तीन जगह होकर के फोन मेरे पास पहुँचा, तब मैं साहब फिर गाड़ी आड़ी करी हमने, फिर खन आए। जब आप मौके पहुँचे तो आपने क्या दृश्य देखा, क्या था सामने? मैंने साहब ये देखा कि वो सिडने के नीचे पड़ी थी, कोई उसके ध्यान नहीं था, अकेली ऐसी डरी थी। ये सब कहाँ थे, ससुराल वाले? ससुराल वाले कहाँ थे सब? ये सब भाग गए थे। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए, और अच्छा बच्चा कहाँ था उस टाइम? बच्चा उसके वही करोटे से डरो तो। अच्छा, क्या साल का बच्चा है ये? डेढ़ महीना का है? मात्र डेढ़ महीना का। अच्छा अच्छा सर, क्या घटना थी और क्या मुकदमा दर्ज हुआ था? देखिए, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में कल एक सूचना आई थी कि एक महिला ने फांसी लगा ली है। मौके पे पुलिस बल गया था और उन्होंने वहाँ पे मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा भरा है, और एक तहरीर सुबह लड़की की मृतिका के पिता द्वारा प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने एक मोटरसाइकिल ना दिए जाने पे और उनको मार दिए जाने का आरोप लगाया है, जो मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। क्षेत्राधिकारी स्तर से इसकी विवेचना की जाएगी, साक्ष्य क्रम में जो भी चीज़ें आएंगी उसको गुण दोष के आधार पर उस पर कार्रवाई होगी।